हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं राजकुमारी, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो भी बहुत अच्छा होने वाला है, तो पूरे वीडियो बने रहना। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज गार्डन में मैंने शावर वावर दे दिया था, और आज फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और फ्रेंड्स, मैं अभी है ना आपको जो एक मैंने मनी प्लांट की कटिंग ग्रो की थी पानी के अंदर काफ़ी सारी, तो मैं उसको है ना जो अलग अलग करना चाहूँगी, क्योंकि उसमें है ना काफ़ी सारी है ना जड़ें बन चुकी है, तो अब उनकी ग्रोथ अच्छी करने के लिए मुझे अलग अलग लगाना पड़ेगा। तो चलिए, बस ये कि सावर देने से फ्रेंड्स प्लांट की हेल्थ अच्छी रहती है। ये देखिए, और ये देखिए सभी मनी प्लांटों में काफ़ी अच्छी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है, और इनमें मिट्टी भी डालनी है मुझे। और ये देखिए दो दो तीन दिन कटिंग लगाई थी, अब इनकी है ना काफ़ी सारी कटिंग बन जाएगी। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ना जो एक एक कटिंग लगाई थी, और काफ़ी सारी है ना जो इनकी जड़ें बन चुकी है, तो मैं अभी इनको निकाल कर, और देखिए फ्रेंड्स इसको बेल्डर मिट्टी में लगानी है मुझे। अब मैंने पानी में ग्रो को रखी, तो अब मिट्टी में लगाने के लिए इसको बाहर निकालते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल है ना जो घिचपिच होने लगी थी, तो देखिए इनको अलग अलग करना है, तो इनकी ये धागा हटाना है मुझे, धागा हटा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबको मैंने अलग अलग कर दी, सब में काफ़ी अच्छी ग्रोथ निकल चुकी है, तो ये देख लीजिए। और जो ख़राब थी जो उनको मैंने ये देखिए निकाल दिया, धागा निकाल दिया है। और अब मैंने जो इनके लिए मिट्टी है ना तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, एक भाग कोकोपीट लिया, एक भाग मैंने बर्मी कंपोस्ट लिया है, और एक भाग मैंने गार्डन की मिट्टी ली है, और थोड़ी सी नीम खली ऐड कर ये एक मिट्टी बनाई है। भुरभुरी बनाने के लिए मैंने इसमें कोकोपीट डाल दिया है, और थोड़ी सी रेत भी मिला रखी है, तो ये देखिए बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। और ये गमले में लगाऊंगी, क्योंकि काफ़ी छोटी छोटी कटिंग है, तो अलग अलग में तो टाइम लग जाएगा, तो मैं सोच रही इसी में थोड़ा घना हो जाएगा, तो इसके लिए एक होल मैंने कर रखे हैं, तो इन अंकरों को कवर करते हैं कुछ गिट्टियों से, क्योंकि होल होना ज़रूरी है, तभी जाके पानी निकल पाएगा, तो होल ज़रूरी है, होल ज़रूर कर देना आप। अब ये देखिए इसमें मिट्टी भरते हैं। और फ्रेंड्स, मनी प्लांट की तो छोटी छोटी कटिंग लग जाती है, ये देखिए एक ही कटिंग से आप एक ही बेल की कटिंग से काफ़ी सारी बना सकते हो। और मैंने वीडियो भी शेयर कर रखा है, तो आप देख लेना मेरी प्लेलिस्ट में। और ये देखिए, और अब लेंगे कटिंग, तो ये देखिए जो हेल्दी हेल्दी कटिंग है ये ले लेते हैं। देखिए मैंने मिट्टी में गमले में मिट्टी भर ली है, और अच्छी अच्छी हेल्दी हेल्दी कटिंग मैं लगा रही हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छी अच्छी उनको इसमें लगा दूंगी। और मैं दो गमले में मैंने इन्हें जो ये कटिंग लगाई है, तो जो बिल्कुल अच्छी वाली अच्छी ग्रोथ हो चुकी है, और इनमें फिर एक एक लीव निकल चुकी है, और जड़ें भी काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है। और बोतल में से मैंने इसलिए निकाल दिया, क्योंकि फ्रेंड्स है ना उसमें बिल्कुल घिचपिच हो चुका था। और पानी में अगर आप लगाकर पानी में ग्रो करके अगर ऐसे लगाओगे ना फ्रेंड्स, तो आपकी कटिंग 100% अच्छी भी चलती है और बढ़िया भी रहती है। और मिट्टी में क्या थोड़ा सा टाइम लगता है, तो यह है कि पानी में पहले आप इनको अच्छे से इनकी जड़ बन जाए, जब तक आप पानी में रख सकते हो, और 15 से 20 दिन के अंदर इनमें अच्छे से ना जड़ बन जाती है, देख लीजिए। बस मिट्टी आपको है ना जो बिल्कुल है ना भुरभुरी बनानी है, जैसी मिट्टी मतलब बेल्ड्रेन मिट्टी है भुरभुरी होगी ना फ्रेंड्स, तब जाकर ये ना इनकी जड़ें अच्छे से फैल पाती है, और इनको ऑक्सीजन भी मिलती है। और दूसरी बात क्या है कि जड़ें फैलेगी तो इनकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली अच्छे से होने लग जाएगी। और देखिए एक एक लीव इनकी छोटी छोटी है, और फ्रेंड्स कितनी सुंदर लग रही है।
और देखिए फ्रेंड्स मैंने ने जो स्पीड बढ़ा दी है, और क्योंकि इनसे टाइम लग रहा था मुझे, क्योंकि जड़ों को नुकसान नहीं हो, इस वजह से आराम से इसी तरीके से लगा रही थी इनको। तो देख लीजिए। और फ्रेंड्स जब पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है तो मन भी बहुत खुश होता है। और मनी प्लांट तो फिर ऐसी मतलब बेल है फ्रेंड्स कि इसको घर में लगाने से जो सुख समृद्धि तो आती है, धन की भी वृद्धि होती है। तो देख लीजिए आप लोग भी ऐसे इस तरीके से लगाओगे तो आपके भी मनी प्लांट काफ़ी अच्छे से घनी हो जाएगी। और एक ही कटिंग से आप ना जो हजारों कटिंग बना सकते हैं। और ये देखिए ऊपर से मैं मिट्टी डाल रही हूँ इनके ऊपर, और हल्के से ना जो इनको मिट्टी को टैप भी करना है। और कुछ बची हुई कटिंग है ना जो फ्रेंड्स में दूसरे वाला गमला है उसमें सेम मेथड से इसमें उसमें लगा रही हूँ, देख लीजिए। क्योंकि हेल्दी हेल्दी कटिंग तो मतलब जो उनकी अच्छी ग्रोथ होगी वो मैंने इसमें लगा दी है। और ये भी अच्छी ग्रोथ है, पर ये है कि इनकी छोटी कटिंग थी तो जैसी कटिंग है वैसे ग्रोथ हो पाएगी। और देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और मेरे पास तो फ्रेंड्स मनी प्लांट का इतना सारा कलेक्शन है, काफ़ी सारा। और ये देखिए सारी कटिंग लगा दी है। अब इसमें डालते हैं पानी, और पानी डाल देते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए और पहले मिट्टी में नमी है तो ज़्यादा नहीं डालूंगी मैं, थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। ये देखिए और थोड़ा सा स्प्रे कर देते हैं। और ये देखिए काफ़ी सारी मनी प्लांट की कटिंग रेडी हो चुकी है। ये देखिए आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए बस ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, बस पानी से इसे स्प्रे करना है। बस अब डाल दिया मैंने पानी अच्छे से। ये देखिए देखिए फ्रेंड्स एक छोटा गमला वो ले लिया है, और ये छोटी सी बोतल। और ये देखिए मेरे पास चार कटिंग और बच चुकी है तो इनको भी लगा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने दोनों गमलों में अच्छे से लगा दिया। और देखिए कितनी सुंदर सुंदर पत्तियां निकल रही है, अच्छी अच्छी ग्रोथ होने लग गई है, देख लीजिए। और बस पानी का शावर वावर देना है, ज़्यादा वो निकलना। और ये देखिए आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए। और ये छोटी सी चार कटिंग बची थी तो मैंने इसमें लगा दी है, और मेरी खूब सारी कटिंग रेडी हो चुकी है। और भरपूर मात्रा में मनी प्लांट का कलेक्शन है, ये देख लीजिए। फ्रेंड्स मेरा मनी प्लांट का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कटिंग का, तो फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताना। और अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर करना, और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय।